सो घर तो पीला ऊपर नहीं होने सही कर देना हाँ नहीं नहीं वो केला ना हाँ पोटा वाला तो आप कम तो हेलो दोस्तों कैसे हो गेम सब कैसे आई होप आप सब मौज में हो और मैं भी एकदम मौज में हूँ। तो फिलहाल आज का सीन कुछ ये है सीन नहीं बोल सकते आज का दिक्कत बोल सकते हैं क्योंकि जो हमारी एक गाय है वो अभी बच्चा देने वाली है 8-10 दिन में या 15 दिन में या ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन लेंगी। आपको सबको पता है कि हम जब भी ब्रीडिंग करवाते हैं तो उसकी डेट लिखते नहीं है। तो अभी जो है कि वो गाय फुल पाछा दिखा रही है। तो अभी फुल पाछा का मतलब आप बहुत सारे जो दोस्त हैं वो नहीं समझ पाएंगे। गुजराती में माटे बोलते हैं, मराठी में दे उसको मायांग बनता है, मायांग बाहर काटते हैं। तो सब लैंग्वेज में अलग अलग बोला जाता है, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो दिक्कत क्या हो रही है, ऐसे निकलता नहीं है, सभी गाय को नहीं निकलता है, होती है ऐसी लगभग 50-60 गाय में से एक गाय होती है जिसका ये निकलता है। तो वो जो निकलता है तो अच्छी बात नहीं होती क्योंकि उसकी वजह से जो गाय है उसकी जान भी जा सकते हैं। तो अभी बहुत दिनों से निकल रहा था तो हमने टाँका वगैरह लगा दिया था उसको, लेकिन अभी फिर से वो जो टाँका है वो टूट गया। तो आज फिर से रात में 2 बार निकल दिया। तो सुरेश भाई ने 1-2 बार उसको फिर से बिठा दिया था, लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि बार बार अगर अपन उसको हाथ लगाते हैं तो उससे पॉइजन तैयार होता है, तो उससे गाय जो है मर सकती है। तो इस बार हमने क्या किया कि डॉक्टर को बुलाया, पीछे भी एक बार डॉक्टर को बुलाया था, स्प्रे से उसको छोटा किया था और बाद में उसको फिर से बिठा दिया गया था। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि इस बार भी बहुत बड़ा उसने जो फूल पाछा है वो निकाल दिया है। तो अभी वो जो है कि हमारे से नहीं बैठ रहा है, तो उसके लिए अभी फिर से डॉक्टर को ही बुलाना पड़ेगा। तो आज तो अभी हम सुबह सुबह जो है कि ट्रैक्टर भरने के लिए जाना था, लेकिन अभी गाय का ऐसा हो गया तो उसकी वजह से हम जो है कि आज ट्रैक्टर भरने के लिए अभी नहीं गए हुए हैं। तो अभी फिलहाल वो जो डॉक्टर है उनको अभी हमने कॉल कर दिया है, डॉक्टर अभी आ ही रहे हैं यहाँ पे। हमारे पास इतने सारे गाय है तो उनको इतने सारे गाय रखने हैं तो क्या क्या दिक्कत आती है और क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो उनको चारा वगैरह बहुत सारी झंझट मारी होती है, अगर इतनी गाय रखनी है तो कोई आम बात नहीं है। इसके लिए लगभग हमारे फैमिली मेंबर पूरे 8-10 फैमिली मेंबर है, हमारे पास 70 से 80 गाय है छोटे मोटे सब पकड़ के। तो पूरे फैमिली हमारी इसमें काम करती है, इसमें से खाली 2 जन जो है कि वो पढ़ाई करते हैं, माला भाई और महेश भाई। तो फिलहाल जो है कि अभी हरी भाई और जो है कि जो गोबर है उसको फैला रहे हैं, उसको सुखा रहे हैं, और आपा और सुरेश भाई उधर है, डॉक्टर को अभी फ़ोन किया हुआ है। तो ये वाली जो गाय है अभी 8-10 दिन में या 20 दिन में बच्चा देने वाली है, लेकिन अभी जो है कि इसका ही फुल पाछा दिखा रही है। तो अभी डॉक्टर को हमने बुलाया है, जैसे डॉक्टर आएंगे बाद में जो डॉक्टर है दवाई वगैरह लगा के उसको बिठा देंगे। तो हल गए डायरेक्ट हम थोपड़ी रहा दे और खाली फोड़ ना हो दे बस हाजलूत करो रेड से देखे हम। तो अभी बहुत दिनों से हम बोल रहे थे इसको फैलाना, लेकिन कुछ टाइम मिला नहीं। आज फिलहाल जो है कि सब भाई घर पे है तो मैंने बोल दिया कि चलो भाई आज फटाफट से ये जो है जितना होगा उतना फैला देंगे, बाकी ब्याहवात नहीं देवाना है कभी। ना ना ब्याहवाना ब्याह तन हाल हो काम करो, बाकी ब्याहवा नहीं देवाना कभी, हाल उठा रहा। मेहनत तो करनी पड़ेगी मेरी जान। हाँ मेरा भाई सुरेश भाई जो है कि वो तो उधर है, अभी मुझे भी पावड़ा लेना है। फिलहाल जो है कि मैंने फोन अभी हाथ में पकड़ा हुआ है इसकी वजह से, नहीं तो मुझे पावड़ा लेना है। ले फटाफट उतर रहे। तो हमारा जो गोटिया है वो मामा के यहाँ भाग गया है, आज पूरे 4 दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए हैं, अभी तक गोटिया नहीं आया है। माले हर टाइम तो आ जाता है ना, हर टाइम जो है गोटिया आ जाता है, लेकिन इस बार 4-5 दिन हो गए उसने वहाँ पे रुक गया है वो अभी। तो फिलहाल जो है कि हमें आज नहीं तो कल उसको लेने जाना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा गड्ढा है जो कि हमारे अभी 2 गाय हिट पे थी लेकिन इसने ब्रीडिंग की नहीं, और वो वाला तो बहुत कमजोर है, वो ब्रीडिंग करता है लेकिन कभी कभी करता है, नहीं तो करता ही नहीं है। जाने के गोटा तो लेने के लिए जाना है, लेकिन अभी आज तो टाइम मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आज जो गाय है उसको एक तो डॉक्टर बुलाएंगे, नहीं तो फिर एक हमारे मामा है यहाँ पे, यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर उनका घर है, वहाँ पे उनके पास भी बहुत काफ़ी भैंसे गाय वगैरह है। तो अभी उनको सुरेश भाई कॉल पे बात कर रहा था, अगर डॉक्टर नहीं आए तो फिर उनको बुला के वो जो तो फुल पाछा है वो फिर से उसको बिठाना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं, जैसे ये मामा है नहीं तो डॉक्टर, दोनों में से एक आएंगे जब भी वो बैठेगा। बाकी जो है कि इधर सब गोबर वगैरह डाल रहे हैं इधर, और इधर तो ये सब ये कर रहे हैं। चलो अब फटाफट से निपटा देते हैं, तब तक मामा आ जाएंगे। बे बकड़िया लागे नहीं क्या कमर टेढ़ थी जाए।
तने बे आड़ा से देव लागे है जगदीश भाई। अब तू गुजरात के जाने से पहले मैं तेरे पास से इतना काम करवा के लूंगा, कि तूने वहां जो 10 महीने गुजरात में मजा किए ना, वो मैं 15 दिन में वसूल करवा दूंगा। हाल उतावल रख, मैं 2 दिन में या 3 दिन में कल्टी मैं तो हूँ बे 3 दिन वसूल करा रखे। हाँ 8 बजे हद काम कराई, इतना सारा काम करवा दे, कसम से बोलता झूठ नहीं बोलता। कभी कभी मुंह से पर क्या बोला तूने, कभी कभी आंख से पानी आ जाता है इतना काम करो दे। सुबह उठने के बाद मिल्किंग फिर ट्रैक्टर भरवाने को, आज जो है ट्रैक्टर भरने के लिए हम नहीं गए तो आज देखो यहाँ पे लगा दिया है। और अभी तो ये जो साइड दिख रहे हैं इधर सामने, देखो इधर घूम सामने जो है कि गन्ना है, वहाँ पे ये गन्ना है। तो यहाँ पे जो है कि पूरे जो ये बबुल है ना, ये वाली ऐसी बबुल, ये बबुल तोड़ के यहाँ पे पूरी डालनी है, जो कि गाय इसमें खुले रहेंगे तो गन्ना खाने ना जाए। वैसे तो हमारी गाय को आदत है, जाती नहीं है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं कभी चले जाएंगे। नहीं तो क्या होता है कि अगर गाय यहाँ पे चल रही दूसरी गाय ने मार दिया तो उधर गई तो ही गन्ना खाएंगे, नहीं तो गन्ना खाएंगे नहीं। तो अभी आपा और वो बोले कि जो चारों ओर है उसको काटा वगैरह लगा के यहाँ वाड़ा बनाएंगे, फिर बोले गुजरात में जाएंगे। वाड़ा बनाने के लिए 3 दिन लगने वाला है। इतना काम करवाते बहुत बुरा लगता है, बहुत काम करवाते, कमर दुख रही मेरी। शाम को 8:30-9 बजे तक है ना, वो टमेटा जैसा मुँह हो जाता है। 8 बजे सो लेता हूँ, बहुत काम होता है। उतर तो दोस्तों 10 महीने ये मेरे बड़े भाई ने इतनी मजा की कि बहुत अच्छे मजा की। अच्छा फूल वो ब्लैक ब्यूटी बाइक लाया, रोज नए नए कपड़े, रोज नए नए शूज। अब देखो इसके शूज देखो और इसके नीचे से अवतार देखो कैसा है। बहुत मजा की। तो मेरा भाई ये महाराष्ट्र है, यहाँ ऐसा ही होता है। हाँ मेरा भाई उतार राग नहीं बेल उठा है देखो। तो इसमें माला भाई ऐसा है, ये जो वाला धंधा है ना छोटा है लेकिन खुद का है, तो मैं चाहे कितनी भी जाना गजब बेइज्जती है आप अच्छा है। देखो अपना खुद का धंधा है, उसमें कोई शर्म नहीं होती। मैं आज भी पहले से मैं यही काम करते आ रहा हूँ और अभी भी कर रहा हूँ। मुझे कोई काम करने में मुझे कभी शर्म नहीं लगती, लेकिन बहुत सारे दोस्त मेरे को बोलते हैं कि जगदीश भाई आपका अभी इंस्टाग्राम पे भी चल रहा है, यूट्यूब पे भी चल रहा है, तो आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनो और कुछ काम नया काम करो नया बिजनेस करो। लेकिन नहीं करना है नहीं, देखो भैया हमें जो इसमें मजा आता है, हाँ मेरी जान, इसमें ऐसा मजा किसमें नहीं है, किसमें नहीं आता, किसी में नहीं आता, क्योंकि यहाँ काम है बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें जो ये काम करके जो सुकून मिलता है वो अलग ही लेवल का है, कसम से। शाम को बहुत अच्छी नींद आती है, बहुत बड़ा सुकून मिलता है। एक साइड हुई जाना नहीं, वो तो होता है, लेकिन कसम से सुकून बहुत मिलता है, क्योंकि बचपन से करते आ रहे हैं। अगर हमारे घर के आगे ये नहीं होती है तो कसम से उस रात को नींद नहीं आती है, लेकिन ये सुबह उठ के देखते तो बहुत मजा आता है, कसम से झूठ नहीं बोल रहा मैं। और मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि पूरी लाइफ मैं इनके साथ ही बिताऊँ और इनके साथ ही काम करूँ। मुझे पैसे से कोई लेना देना नहीं है, मुझे यही चाहिए बस। लेकिन अभी यहाँ पे जगह नहीं है, इसकी वजह से हमें गुजरात जाना पड़ रहा है, नहीं तो हमने तो बोला था यहीं पे सेटल हो जाए। क्या बोलता है? हाँ मेरा भाई। तो अभी पहले चलते हैं, चलो फटाफट हेलो उतार रखो। सभी गाय को नहीं होता है, हमारी जो यहाँ पे इतनी सारी गाय है पूरी, एक को भी दिक्कत नहीं। हमने बोला था 50-60 गाय में से एक गाय होती है, तो ये वाली है। तो अभी आने के बाद उसको बिठाएंगे और यहाँ पे हमारे व्लॉग में ज़्यादातर तो आपको गाय की जानकारी और गाय के विषय में ही व्लॉग देखने के लिए मिलेंगे। बहुत सारे भाई को नहीं पसंद आते हैं, तो मैं बोलता हूँ कोई दिक्कत नहीं भाई, आप नहीं मत देखो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारे भाई जो है वो हमें सपोर्ट करते हैं और उनको पसंद आते हो तो देखते हैं, उनका दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये भी बहुत जल्दी बच्चा देने वाली है, ये वाली गुजरात वाली है। बस अभी मुझे लग रहा है 2-3 दिन या 4 दिन या 5 दिन शिकारी ने तो फाइनली बच्चा दे दिया है। तो अभी फिलहाल जो है कि माला भाई और हरी भाई जा रहे पशु आहार लेने के लिए, और अभी जो है कि मेरे को बोले तू अकेले कर, तो अभी मुझे अकेले करना है, तो अभी मैंने बोला चलो फटाफट से जो काम है वो इतना निपटा देते हैं, तब तक जो मामा है वो आ जाएंगे।
और फिर उसका जो काम है वो निपटा देंगे। बहुत सारे दोस्तों की मुझे ये भी कमेंट रहती है बहुत ज़्यादा सभी व्लॉग में, लगभग पिछले पाँच सात व्लॉग से यही कमेंट्स आ रही है, जगदीश भाई आपकी डेंगी कहाँ है, कालू कहाँ है, बकरी कहाँ है। तो आज अभी सुरेश भाई से पूछते हैं डायरेक्ट कि भाई वो बकरी का क्या किया, क्योंकि मैं आपको बोलूँगा, फिर मैंने बोला आप सुरेश भाई उसके मुँह से बोलेंगे भाई, भाई आपने वो जो बकरी हमारा जो कालू डेंगी बकरी का क्या किया? वो मैं एक दोस्त था उसको दे दिया, वो इधर बहुत चिखड़ हो गया था, फिर बहुत चिखड़ हो गया था, बहुत बारिश कैमरे के सामने देख के बोल मैं गजब भेज देती वो क्या हुआ मालूम है क्या भाई? ये बारिश हुआ, बहुत चिखड़ हुआ, इधर बैठने को भी जगह नहीं थी, फिर एक दोस्त था, दोस्त की कहीं जगह थी, तो फिर दोस्त को बोला फिर ये लेके जा पूरे, तो फिर दोस्त आके ले गया, क्योंकि यहाँ पे इतना सारा चिखड़ था, बहुत सारे बहुत बारिश थी, बहुत बारिश थी, उतनी बारिश था पूरा चिखड़ था। इस साल इतनी सारी यहाँ पे बारिश हुई है, इनका मेरी कॉल पे बात होती रहती है, बहुत सारी बारिश हुई थी यहाँ पे, हद से ज्यादा। यहाँ पे अगर चिखड़ की बात की जाए तो ये जो गाय है यहाँ पे पूरे रस्ते पे थे, यहाँ पे एक भी गाय नहीं थी, क्योंकि इतनी सारी चिखड़ थी, यहाँ पे जगह नहीं है, वहाँ पे ऐसा जो ऊंचाई पे जगह है यहाँ पे कोई आजू बाजू है नहीं, पूरा खेती है। तो इसकी वजह से सुरेश भाई ने मेरे को बोला था, लेकिन मैंने आपको नहीं बताया। सुरेश भाई बोले मैं जो है बच्चे है, बोले एक दोस्त है उसके पास काफी जो बकरे है, बोले तो उनको दे दूंगा तो वहां जाके वो बच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इतना सारा चिखड़ था कि बैठने के लिए जगह ही नहीं थी बकरों को। तो मैंने बोला इसको बोला कि यार वो ठंडी में भीग जाएंगे और मर जाएंगे, तो उसकी वजह से तो किसी को दे दे तो सामने वाले का भला हो जाएगा। तो फिर सुरेश भाई ने क्या किया, एक जो हमारे दोस्त थे उनको बकरी और कालू और डेंगू दोनों दे दिया है। तो अभी अगर टाइम मिला मेरे को तो कभी मैं जाऊंगा उसके पास, तो दोनों बकरी और दोनों बताऊंगा। और अभी फिलहाल बाहर चला गया है तो मैं सोच रहा हूँ सुरेश भाई एक बकरी भी लेके आएंगे। देखो मैंने जो आपको बोला है वो 100% मैं लेके आऊंगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर आप बोलोगे यार कब ला रहे कब ला रहे। हाँ बहुत जल्दी, जैसे मेरे को मैं गया तो देखने को बकरी गया तभी देखने को, फिर लाने वाला भी था। हाँ। फिर से बारिश चालू होगी। हाँ। फिर से नहीं लाया। बारिश के मौसम में यहाँ दिक्कत होती है बकरों को, नहीं तो कुछ नहीं। और बकरों जो होते हैं हम शौक के लिए रखते हैं, वो ऐसा नहीं कि हाँ उसमें से हमें पैसा मिला, ऐसा नहीं, हम शौक के लिए रखते हैं, अगर हमें पसंद आ जाती है तो। हमारे सुरेश भाई को पहले से बहुत सारा शौक है, हमारे पास मेंढी भी थी, मेंढी बोले तो गार्ड बोल सकते हैं, घेटा बोल सकते हैं, गार्ड बोलते हैं, फिर उसको लोमड़ी बोलते ना, नहीं लोमड़ी नहीं बोलते, लोमड़ी नहीं बोलते, लोमड़ी सियाले को बोलते हैं। क्या बोलते, क्या बोला तूने? हाँ भेड़िया, भेड़िया, भेड़ बकरी, भेड़िया। तो भेड़िया भी लाके सुरेश भाई ने रखे थे, बहुत सारे हमारे पास हो गए थे, लेकिन वो भी हमने बाद में एक दोस्त को दे दिया ऐसे ही, क्योंकि हम शौक के लिए हमारे सुरेश भाई को बकरी का और भेड़िया का बहुत शौक हो गए थे। हाँ एक भेड़ी उससे पाई थी, वो भी ऐसे ही हाँ घास चारा देखने के लिए साइकिल लेके गया था, तो जो पूरे झुंड लेके वो जो भेड़िया चराने के लिए निकलते हैं, तो उनके में से एक जो भेड़िया थी उसने बच्चा दिया था, वो भेड़िया को दो बच्चे आते थे, एक बच्चा वहीं पर छोड़ के चले गए, तो सुरेश भाई यहाँ पे लेके आए, यहाँ आने के बाद उसके 12-13 हो गए थे। कितने साल में हो गए थे? तीन चार साल में 10-12 हो गए थे। बाद में हम बहुत ज़्यादा उनकी ज़्यादा मात्रा में तादाद हो गए, तो बहुत सारे तकलीफ देने की, फिर बाद में उनको हमने एक दोस्त को दे दिया। फिलहाल हमारे पास अभी कालू डिंगी बकरा नहीं है, तो पूरा एक झुंड हो जाता है। अभी रखते तो 100 से ऊपर क्रॉस हो गया होता। नहीं नहीं अभी हम जो है कि एक बकरी लेके आने वाले हैं। फिलहाल इसका कुछ मालूम होगा तो कमेंट करके बताओ, हम कुछ उसकी दवा कर सकते हो इसी। क्या इसका? हाँ जो इसका दवाई है, ज़्यादातर तो हमारी जो गाय को अभी ऐसा दिक्कत कभी आया ही नहीं, तो उसकी दवाई हमें मालूम नहीं है, बहुत सारे दोस्तों को पता होता है, अगर कोई देसी इलाज है इसका तो हमें कमेंट में बताना, हम कर देंगे इसको। ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, लेकिन इस बार आ गई है। वैसे तो हमारे थोड़े बहुत हमारे पास देसी दवा थी वो कर दी, लेकिन फिर भी वो निकाली रही है, तो अभी कुछ अच्छी दवा आपके पास है देसी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम वो उपाय करेंगे। ओके बस शांति है, आज थोड़ा वाड़ो करो है, बाइक नो बाइक ही है। कड़े क्या डाल रख दे सूर्या, ए डाल रख। हमने बहुत सारी ट्राई की लेकिन वो नहीं बैठ रहे हैं, डॉक्टर साहब को भी फ़ोन किया था, मामा अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन सुरेश भाई बोल रहा है कि मामा से भी नहीं बैठेंगे, क्योंकि उसको कुछ स्प्रे मारना पड़ता है, जो कि उसके साइज छोटे होने के बाद ही वो बैठ जाएंगे बोले। तो अभी सुरेश भाई जो है कि हमारे एक यहाँ पे हमारे एक मित्र है डॉक्टर, उनको कॉल करके बुला रहा है। चल जो है कि हमारे डॉक्टर साहब जो है वो आ चुके हैं, चलो पिस्तौल लिया घर तो पीला ऊपर नहीं होने कई घंटे नहीं नहीं वो केला ना हा पोटावर तो दाब कमी होईल, जर गाय जेवढे उठो घर तिथे उठो
नहीं उसको यहीं पर रहने देंगे। तो इधर फिलहाल जो है कि हमारा मैजी भर माला भाई जो है कि गाय छोड़ रहा है, अभी गाय लेके जा रहे हैं चराने के लिए। जो दूध वाली गाय है वो अभी निकल चुकी है, बिना दूध की जो है वो इधर है। फाइनली जो है कि कल गुजरात जा रहा है तो बोल रहा है कि आज चलो मेरे साथ कपड़े लेने के लिए, देखते हैं चल दोपहर को। सूर्य भाई आने के बाद तू ऑफिस चले आना। हाँ ले, हट, बहुत झगड़े करते हैं। हाँ ठीक है, तो फिलहाल जो है कि इसका डॉक्टर साहब ने जो है कि क्लियर कर दिया है, अभी इसको कोई दिक्कत नहीं है। कहूँ तो फिलहाल जो है कि अभी भाई तुम्हारा भाई जो है कि कटिंग वगैरह करवा के आ चुका है। फिलहाल मैंने थोड़ी सी नींद ले ली थी, गाय जो है कि अभी फिलहाल चरने के लिए चली गई है, अभी तो ठीक ठाक है। और डॉक्टर साहब ने भी बोला है कि गाय जब तक बच्चा नहीं देंगे तब तक थोड़ा बहुत दिक्कत रहेंगी, बोले कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो दवाई वगैरह स्लाइन वगैरह उसको लगा दिया है, इंजेक्शन वगैरह दे दिए हैं, तो अभी ठीक हो गया, गाय चरने के लिए भी गई है। तो फिर इस ब्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड, मिलते हैं कोई नए ब्लॉग में। जय श्री कृष्ण।